हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। तो आज है थर्सडे का दिन और ये वीडियो शुरू हो रहा है सुबह से ही। तो सुबह सुबह हो गई भागदौड़ शुरू और मैं बना रही थी और बच्चों को खाना नाश्ता कराना, खाना खिलाना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि एक जगह तो बैठते नहीं हैं, उनको पकड़ पकड़ के बिठाना पड़ता है। और मैं इसको बार बार डांट रही थी कि आराम से बैठ के नाश्ता कर लो, लेकिन फिर भी नहीं सुनती। तो सुबह के टाइम हो रहा है, 9:45 बज रहे हैं और सब लोगों को नाश्ता तो करा दिया। मैं पी रही हूँ सुबह की चाय क्योंकि अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ, तो इसलिए मैं नाश्ता नहीं करूँगी अभी। और मैंने सोचा वीडियो शुरू कर लेते हैं सुबह का। और आज मुझे जाना है एक कहीं, यूट्यूबर हैं एक, वो मेरे घर के पास में ही रहती हैं, तो उनसे मिलने के लिए जाऊंगी और आपको ज़रूर मिलवाऊंगी उनसे। तो अभी पहले चाय पी के और नहा के आऊंगी, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो देखिए, यहाँ पे मैं आ गई थी कुसुम दीदी के घर, जो कि कुसुम फैमिली व्लॉग जिनका चैनल है। मैंने आपको बताया था कि मैं इनसे मिलने के लिए जाऊंगी। तो ये कुसुम दीदी हैं और ये उनकी भाभी हैं, जिनको आप इनकी वीडियो में अक्सर देखते रहते हो। और मेरे साथ मेरी बहन गई थी और उसकी बेटी, और यहाँ पे उनकी बेटी भी बैठी हुई थी ईशु। तो उन लोगों से भी हम मिले, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरह से हमारी बातचीत हुई, काफ़ी हम लोगों ने हंसी मजाक किया। बहुत देर हम लोग रुके उनके यहाँ पे, और बल्कि उन्होंने तो खाने पीने का भी इंतज़ाम कर रखा था, लेकिन हमारी मजबूरी थी तो हमें आना पड़ा वापस। और फिर कभी जाऊंगी, बहुत पास ही रहती है हमारे घर के, मतलब मेरे मायके के, बहुत ही वहीं रहती हैं उसी इलाके में। तो उनसे अब तो मैं कभी भी मुलाकात करने आ जाया करूंगी। तो हम लोग काफ़ी देर तक बैठ कर गप्पे मारते रहे, खूब हंसी मजाक किया, और लगा ही नहीं ऐसा कि हम लोग पहली बार मिले हैं। और क्योंकि मैं तो बिल्कुल यूट्यूब पे नई हूँ अभी, और उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, तो मैंने उनसे काफ़ी कुछ सीखा। बहुत कुछ उन्होंने मुझे सिखाया, बताया कि एडिटिंग के बारे में मैंने उनकी बेटी से काफ़ी कुछ सीखा, क्योंकि उनकी जो वीडियो की एडिटिंग है वो उनकी बेटी ही करती है, तो मोस्टली काम वही करती है। तो मैंने उससे काफ़ी कुछ सीख लिया जो मुझे नहीं आता था वो सब। और बहुत अच्छे से उन्होंने मेरी हेल्प भी करी, जिस चीज़ में मुझे कुछ डाउट था, कुछ पूछना था, तो उन्होंने मेरे से मुझे बहुत अच्छे से बताया भी, समझाया भी। तो हम लोगों ने काफ़ी देर, बहुत देर बातें करी वहाँ पे।
जैसा कि मैंने आपको बताया था सुबह कि मुझे जाना है, एक यूट्यूबर दीदी है उनसे मिलने के लिए, तो मैं आ गई हूँ यहाँ दीदी से मिलने के लिए। ये कुसुम दीदी है, कुसुम फैमिली ब्लॉग इनका चैनल है और काफी अच्छे ब्लॉग बनाती हैं ये, तो मैं इनसे मिलने के लिए आई थी। तो आप इनके चैनल को भी सपोर्ट करना जैसे आप मेरे चैनल को करते हो, तो जरूर जाके देखना, बहुत अच्छी अच्छी आपको उसमें वीडियोस मिलेंगी और बहुत बढ़िया बढ़िया आइडियाज मिलेंगे आपको। खाना वाना बनाने की रेसिपी बहुत अच्छी देती हैं दीदी। आई होप इनके तरह आप लोगों को मैं भी पसंद आऊंगी। तो मुझे जब पता चला कि मेरे पास में दीदी रहती है तो मैं इनसे मिलने के लिए आ गई यहाँ पे। तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दीदी को भी सपोर्ट कीजिएगा। हाँ, मेरा चैनल भी सब पसंद आता है, तो आप लोग मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। और पसंद आता है तो देखिए सबके ही चैनल को आप शेयर कीजिए, क्योंकि आगे जाएगा चैनल तभी हमारा आगे सपोर्ट हो पाएगा, कुछ नहीं तो चैनल हमारा सर्च में नहीं जा पाता है। तो मैं यही कहूंगी कि इनका वीडियो आप लोग देखते हो तो सर्च में तब जाएगा, शेयर करोगे अपने फ्रेंड ग्रुप में, अगर नहीं करोगे तो सर्च में चैनल नहीं जा पाता है, जिससे कि हमारा चैनल ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आप लोग अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप शेयर जरूर करें और लाइक भी जरूर किया करें, जो कि पैसा नहीं लगता लाइक करने, सब्सक्राइब के भी लगते पैसे ना लगते हैं और लाइक के हमें मिलता नहीं, लेकिन हाँ ये हो जाता है कि अच्छा हमारा वीडियो पसंद आया, इतने हमारे वीडियो पर लाइक आ गए हैं। तो अगर मैं पसंद आती हूँ तो मेरा चैनल भी देखना, कुसुम फैमिली ब्लॉग है, तो देखिए बहुत सारी वीडियो डाली हुई है मैंने अपने चैनल पर भी। तो वहाँ से आने के बाद रास्ते से हम लोग लेके आए थे सब्जी वब्जी, क्योंकि यहाँ पे लोकल मार्केट लगता है, तो वहाँ से सब्जियाँ लेके आनी थी, सब्जियाँ सब ख़त्म हो रही थी और ये मेरी बहन लगा रही थी फ्रिज में सब्जियाँ, और ये देखो इसकी बेटी जो है ये सारे फ्रूट्स निकाल निकाल के टोकरी में लगा रही है। ये भी हमारे साथ बहुत काम करवाती है बेचारी, बहुत कमेरी लड़की है, और सारे फ्रूट्स निकाल के एक टोकरी में लगा लिए और अपनी मम्मी के साथ लगी रहती है। देखो टोकरी उठा के रख भी आई अपनी जगह पे, जहाँ पे हम फ्रूट्स की टोकरी रखते हैं, और यहाँ पे मेरी बहन लगा रही थी सब्जियाँ सारी, तो फिर उसकी हेल्प करने लगी फ्रिज में लगाने में। और उसके बाद में मैं यहाँ बना रही थी रात के टाइम, मैंने एक नमकीन बनानी थी मुझे, तो मैंने काफ़ी सारा सामान जो मेरा बचा हुआ था वो मैं अभी मार्केट से ही लेके आई थी। तो यहाँ मैंने बनाऊंगी नमकीन, तो मैंने यहाँ चढ़ा ली कढ़ाई और इसमें डाल दिया है रिफाइंड, और थोड़ा सा इसमें मैं डाल दूंगी, ये थोड़ा गर्म हो जाए ना उसके बाद में मैं इसमें डाल दूंगी राई, और राई डाल दूंगी और हींग डाल दूंगी और इनको अच्छे से क्रैकल होने दूंगी। ये हींग डाल दिया मैंने इसमें, ये अच्छे से भुन जाए, उसके बाद में मैं इसको तब तक चलाती रहूंगी जब तक ये भुनेगा। और इसके बाद में मैंने इसे डाल दिए काफी सारे कड़ी पत्ता, ये कड़ी पत्ते डाल दिए इसमें, ये भून लूंगी अच्छे से। और उसके बाद ये लहसुन मैंने छील के और काट के बारीक काट लिया था, वो मैं इसमें डाल दूंगी। तो अगर आप लहसुन ना खाते हो तो आप इसको स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इस लहसुन को मैं हल्का सा पिंक होने तक भूनूंगी, ज़्यादा नहीं भूनेंगे इसको, नहीं तो इसमें फिर जलने की स्मेल आएगी। उसके बाद में मैं ये एक कटोरी मूंगफली, जो कच्ची मूंगफली आती है, वो मैं इसमें डाल दूंगी और इनको अच्छे से भून लूंगी।
इसको खूब अच्छे से हम ब्राउन होने तक, मतलब पिंक हो जाए, थोड़ा डार्क पिंक हो जाए ये मूंगफली, तब तक इसको भून लेंगे। उसके बाद में मैं ये एक कटोरी से थोड़ा ज़्यादा है मखाने, ये मखाने में मैं भून लूँगी इसी में डाल के, और इनको भी हल्का सा इनका कलर थोड़ा, जैसे ये वाइट होते हैं ना तो थोड़े क्रीम से हो जाएं, बस इतना ही भूनना है इनको, ज़्यादा डार्क नहीं करना मुझे। तो ये कॉर्न है, जो कॉर्नफ्लेक्स आते हैं ना वो, ये एक छोटा पैकेट में लेके आई थी, इसको भी इसमें डाल देंगे। तो इसमें घर में बनने वाली नमकीन है ये, और इसमें मैं थोड़ा सा हल्दी डाल दूंगी, और थोड़ा सा इस टाइम ही नमक इसमें ऐड कर दूंगी, हल्का सा नमक, ज़्यादा ना आप इसमें डालें क्योंकि बाद में फिर ये नहीं तो कड़वी हो जाती है, बहुत थोड़ा सा नमक इसमें डलता है। और ये मैंने इसमें डाल दिए मुरमुरे, जो कि चावल के मुरमुरे होते हैं, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। तो ये नमकीन तो मैं अक्सर घर में हमेशा बना के रखती हूँ, और जब भी चाय वाय के साथ में स्नैक्स के लिए आप खाएं तो चाय के साथ में बहुत अच्छी लगती है ये नमकीन, आप मेहमानों को भी दे सकते हैं। आप चाहें तो इसमें कुछ और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, आप काजू डाल सकते हैं, बादाम डाल सकते हैं, किशमिश वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो और यहाँ मैंने थोड़ी सी इसमें चीनी डाली है, इसका जो स्वाद है उसको बैलेंस करने के लिए, तो ये बहुत अच्छी लगती है, इसमें जो थोड़ा मीठा टेस्ट आता है। तो आप चाहें तो इसमें गोला वगैरह भी डाल सकते हैं काट के या कस के, पर मैंने नहीं इसमें डाला है, पर मैं हमेशा ऐसी नमकीन बना के रखती हूँ घर में, और जब भी ख़त्म हो जाती है तो मैं फिर दोबारा बना लेती हूँ। तो आज का पूरा दिन निकल गया भाग दौड़ में, और आज मैं गई थी, मैंने आपको दिखाया भी था कि मैं अपनी एक यूट्यूबर दीदी हैं यहाँ कुसुम दीदी, उनसे मिलने के लिए गई थी, और बहुत अच्छा लगा मुझे उनसे मिलके, और उनकी बेटी भी थी वहाँ पे, और एक उनकी जो भाभी हैं वो भी वहाँ मिली मुझे। सभी का नेचर बहुत अच्छा था, बहुत ही हंसमुख थे, और हम लोगों को तो मिलके ऐसा लगा ही नहीं कि हम लोग पहली बार मिले हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा उनसे मिलके। काफ़ी देर तक हंसी मजाक करते रहे, चाय पानी पिया, और वो तो बल्कि बहुत जिद कर रही थी कि और थोड़ा थोड़ी देर बैठो यहाँ पे, लेकिन क्योंकि मजबूरी थी तो हमें वापस आना पड़ा घर जल्दी। तो फिर कभी जाऊँगी, क्योंकि अब तो पास में ही है वो, और मुझे पता भी चल गया कि पास में रहती हैं, तो मैं कभी भी मिलाएंगे उनसे। तो बहुत ही अच्छा लगा, तो आप भी मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और उनके चैनल को भी आप ज़रूर देखें जाके, बहुत ही अच्छे व्लॉग बनाती हैं। मैं भी काफ़ी इंस्पायर हुई हूँ उनसे और यूट्यूब पे आके, और उन्होंने मुझे काफ़ी सारी गाइडेंस भी दी कि किस तरह से आपको अपना चैनल बनाना चाहिए, कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए, बहुत मुझे हेल्प मिली उनकी, गाइड काफ़ी मिली मुझे उस चीज़ में। तो क्योंकि मैं तो बहुत ही अभी नई हूँ, और उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी टाइम से वो कर रही हैं ये सब, तो उन्होंने बहुत गाइड किया मुझे अच्छे से। तो आप ज़रूर उनके चैनल को भी देखिए जाके, बहुत आपको भी हेल्पफुल लगेंगे। तो वापस आते समय फिर वहाँ से हम जब चल दिए, तो फिर हम रास्ते में मार्केट वगैरह जाना था, सब्जी वब्जी लेके आनी थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे थर्सडे मार्केट लगता है, जो कि वीकली मार्केट लगता है, तो फिर वो लेके आए, और बस वही लगा लगा के अब मैंने सोचा कि आज वीडियो का एंड कर लेते हैं और थोड़ी सी आपसे बातें कर लेते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर भी कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपको मेरा चैनल कैसा लगता है, या आपको क्या उसमें कमी लगती है, क्या अच्छा लगता है, ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले अच्छे से किसी बहुत अच्छा सा एक वीडियो लेके आऊँगी आपके लिए अभी 2-3 दिन में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।